नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे सुपरमार्केट स्टोर से दोबारा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने सुपरमार्केट स्टोर ओपन किया है, लेकिन आज की मेरी वीडियो क्या होने वाली है कि मैंने सुपरमार्केट स्टोर कैसे ओपन किया, कितना मेरा बजट आया, कितनी क्या कॉस्ट आई, कहाँ से मैं सारा सामान लेके आया, पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ आज का। ये पूरा वीडियो को देखना, कितना मुझे इसमें मार्जिन हो रहा और पहले दिन की मेरी कितनी सेल थी, तमाम डिटेल में वीडियो डिटेल में समझाने वाला हूँ आप लोगों को। अगर किसी भाई को इसी तरीके का कोई अपना सुपरमार्केट स्टोर ओपन करना है या बड़ी दुकान ओपन करनी मेरी तरह जैसे कि मैंने की है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जगह की। जगह की मेरी अपनी नहीं है, जगह रेंट की है। ठीक है, मेरी अपनी जगह वो है जहाँ पे आप लोग आज तक मेरी वीडियो देखते आए थे, जो मेरी वो छोटी दुकान थी, वो अभी भी है। दोनों दुकानें हैं, वो चलती रहेंगी, आप लोगों को कभी कभार उस दुकान से भी वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैंने इस स्टोर पर लिए थे ये रैक ब्लेड। कस्टमर है थोड़ा सा, आते रहते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इस दुकान के, सबसे पहले तो मैंने ये रैक लगवाए थे अपने स्टोर के लिए, रैक लगवाए थे। मेरे स्टोर के साइज़ की बात कर ले तो मैं 1800 स्क्वायर फीट में मैंने स्टोर चालू किया है, और इसके रैक की कॉस्ट आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैं एक बार कैमरा घुमा के दिखा भी दूँ। ये देखिए, एक तो ये लाइन है, ये बीच में है, ये है, और ये पीछे तक है, लास्ट तक वहाँ तक। ठीक है, तो ये तीन रैक, मतलब एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तो ये तीन लाइन प्लस दीवार का वॉल रैक हो गया, ये पीछे का हो गया, सामने हो गया, जो सामने बंद होता है, इस तरीके के रैक हैं। टोटल मिला के मेरा कॉस्ट आया था 4.5 लाख के करीब का, 1800 स्क्वायर फीट में। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के रैक चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ठीक ठाक लगवाए हैं, हल्की क्वालिटी नहीं लगवाई, तो 4.5 लाख रुपये का तो मेरा सिर्फ इन रैक्स में, इनमें खर्चा आ गया, जिस पर ये सामान रखा हुआ है, रैक इनको बोलते। लकड़ी का मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि लकड़ी का जो फर्नीचर होता है वो छोटी दुकानों में ठीक रहता है, अब बड़े मॉल में सुपरमार्केट टाइप में अगर आप लकड़ी का लगवाओगे ना, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ये लगवा लिया। अब बात कर लेता हूँ सामान की। सामान की बता दूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने जो अपना ये कॉस्मेटिक के आइटम है, मीन्स लाइक ये भी, ये इस तरीके के जो कॉस्मेटिक के आइटम हैं, ये मैंने किसी ऐप से लिए थे, कुछ हद तक मैंने उस ऐप से लिए थे। बाकी जो और सामान है, जो किराना का सामान है, क्रोकरी का सामान है, बहुत सारा सामान है, वो सारा मैंने अपना लोकल मार्केट से परचेज़ किया। लोकल मार्केट से परचेज़ क्यों किया, वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मैंने किसी कंपनी से टाई अप नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने ये रैक लगवा लिए थे, और कोई भी कंपनी यही कहती कि सारा काम हम करेंगे, तो फिर मैंने अपने लोकल मार्केट से, जैसे कि मुझे नॉलेज थी, पता था कि कौन सा सामान कहाँ से लेना है, कितना कुछ मार्जिन होने वाला, और थोड़ा सा अभी क्या है कि जो पहली दुकान थी वो छोटी दुकान थी, अभी बड़ी दुकान में तो बड़े हिसाब से मैंने सामान लिया, ज़्यादा लिया, तो उस हिसाब से मुझे अच्छी खासी बचत भी आ गई सामान में। तो बाकी का सामान लिया मैंने अपनी लोकल मार्केट से। ये तो रहा कि भाई मैंने सामान लिया अपना लोकल मार्केट से, और जो मैंने पीछे पता कॉस्मेटिक का कुछ आइटम मैंने वहाँ से मंगाया था। अब बात कर लेता हूँ माल आया कितने रुपये का है, टोटली बता देता हूँ आप लोगों को माल की मेरी कितनी कॉस्ट आई है। मेरी टोटली कॉस्ट आई है माल की, जो सिर्फ सेल करने का है, इसको छोड़ के, ये जो रैक वगैरह फर्नीचर डेकोरेशन को छोड़ के, टोटली डेकोरेशन को छोड़ के, सिर्फ ये जो माल जो सेल करना होता है, जो कस्टमर को ख़रीदना होता है, उसको वो कॉस्ट आई है मेरी अभी तक की 11 लाख रुपये। 11 लाख रुपये तक का पूरा आइटम लेके आया मैं स्टार्टिंग में। ठीक है, 11 लाख रुपये में मेरा कॉस्मेटिक का, किराना का, कन्फेक्शनरी का, और पीछे क्रोकरी का आइटम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो भी टोटली 11 लाख में आ गया था। हालांकि 11 लाख में फुल नहीं हुई थी, फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, सामान अपने आप भी बढ़ रहा है, और
अब बात कर लेता हूँ एक दिन की सेल की। एक दिन की सेल कितनी हुई थी, पहले दिन की मेरी सेल कितनी हुई थी, पहले दिन की आप यकीन नहीं करोगे, मेरी एक दिन की सेल 421,000 रुपये के लगभग हुई थी। 421,000 रुपये की सेल में अब ये समझ सकते हो, एक दिन की सेल थी, और ये उस दिन उतनी सेल की, उसके बाद मेरी सेल डाउन हो गई। अभी फ़िलहाल रूटीन में हो रही है 40, 50, 55, 60 यहाँ तक चल रही है, 50-60 के लमसम चल रही है। अभी नया नया काम है, 10 दिन शुरू हुए हैं, तो धीरे धीरे सेल इंक्रीज होगी। उस दिन 4 लाख की सेल क्यों हुई, आप लोगों के लिए ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत नॉलेजेबल बात है कि क्यों हुई, सुनने वाली बात है। जो भी कोई भाई नया स्टोर कर रहा है ना, उसको भी पहले दिन इतनी सेल होगी कि जितना सामान आपने अपने स्टोर पर रख रखा है ना, कम से कम उसमें से आधा सामान तो आपको उसी दिन बिक जाएगा। कैसे बिकेगा मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, वही आपको करना है सिंपल सा। मैंने अपना स्टोर शुरू किया, पूरा भर दिया, मतलब पूरा माल वाल के भर के, उसके बाद मैंने स्टोर को शुरू नहीं किया। मैंने स्टोर की ओपनिंग रखी संडे को, मेरा स्टोर पहले ही भर चुका था 3-4 दिन पहले, लेकिन जैसे ही भरा मैं उसके बाद भी ओपनिंग कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ओपनिंग रखी संडे को। संडे को क्या होता है कि सभी की छुट्टी होती है। अब सभी की छुट्टी होती है तो जाहिर सी बात है कि संडे को सभी आएंगे। मेन रीज़न यही था कि संडे को ओपनिंग करने का। दूसरा बता दूं मैं, इतनी सेल होने का रीज़न क्या, मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई अपनी, जो एक रिक्शा होती है बैटरी वाली रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर जो माइक सिस्टम होता है, साउंड सिस्टम, वो लगवा के, और मैंने अपनी दुकान के दायरे के 2 किलोमीटर के एरिए में, के जो 2 किलोमीटर का मेरा एरिया है मेरे स्टोर के, वहाँ पे उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई कि यहाँ पे ये माल खुल गया है, कि छत के नीचे आपको सारा सामान मिलेगा, जो भी कुछ है, मतलब इस तरह की मैंने एडवर्टाइजमेंट कराई 3 दिन तक लगातार। 3 दिन तक मेरा काम बंद हो गया, मतलब माल भर गया था, उसके बाद मैंने दुकान स्टार्ट नहीं की। मैंने एडवर्टाइजमेंट करवा दी कि 3 दिन के बाद आप लोगों के नज़दीक, आप लोगों के शहर में इस तरीके का माल खुल रहा है, किराना का सारा सामान, राशन का सारा सामान उसमें अवेलेबल होगा, और पूरे बाज़ार से कम रेट में आपको सामान मिलेगा। जाहिर सी बात है, कम से कम रेट में अगर मैंने उसमें बोला तो मैं दूंगा भी। क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे दुकान चलानी है, कस्टमर बनाने हैं। बहुत भाई क्या करते हैं कि एक ही बार में लूट लेते हैं, मेरी बहुत वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इस तरीके की मैंने अनाउंसमेंट करा दी। अब अनाउंसमेंट का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जितने भी जो भी लोग उसको सुनता था कि भैया यार बाज़ार से भी कम रेट में कैसे दे देंगे, यही फ़ायदा हुआ मुझे अनाउंसमेंट का। अगर बाज़ार से कम रेट में सामान अगर मिल रहा है तो हमें जाना चाहिए। अब स्टार्टिंग में जिस दिन का दुकान स्टार्ट होनी थी संडे को, 3 दिन पहले मैंने अनाउंसमेंट कराई, संडे को मेरी दुकान स्टार्ट थी, तो कुछ प्रसाद वगैरह भी मैंने उसमें यूज़ किया। तो जैसे ही संडे हुआ, नेक्स्ट डे, उस दौरान मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को बुला रखा था कि भाई मेरी दुकान का मुहूर्त है, ठीक है, मुहूर्त हो गया दुकान का, प्लस सारे कस्टमर जितने भी थे मेरे रिश्तेदार, प्लस जितने मेरी दुकान के 2 किलोमीटर के एरिए में, सभी आ गए। मैं बताना चाहूँगा आपको, 2 आदमी चाहिए मुझे बिल बनाने के लिए, 2 आदमी को लगाना पड़ा उस दिन बिल बनाने के लिए, तब जाके मेरी 4 लाख रुपए की सेल हुई है। इतनी ज़बरदस्त सेल हुई है, मैं एक चीज़ दिखाऊँगा आप लोगों को, कहाँ रखे ये देखो, जो मेरी पुरानी दुकान थी ना उस पे, ये इस तरह के बिस्किट जो ये रखे हुए ना, इस तरह के बिस्किट मैं सेल करता था 35 रुपये के, पर यहाँ पे मैं 30 रुपये के सेल कर रहा हूँ। मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना था मुझे। पहले ही दिन मुझे इतना, मतलब रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला यहाँ पे। क्यों मिला, क्योंकि एक तो एडवर्टाइजमेंट करा दी मैंने, उस एडवर्टाइजमेंट में मैंने एक चीज़ और अनाउंस करवा दी कि 2500 रुपये का अगर आप सामान लोगे ना तो 1 किलो चीनी फ्री। अब 2500 रुपये के सामान में यार 40 रुपये की चीनी देने में कोई हर्ज नहीं है। 2500 रुपये का जो सामान आएगा उसमें मैंने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, इसमें तेल, घी ये अलाउ नहीं होंगे, तेल, घी और आटा, ये 3 चीज़ें, इनको छोड़ के कुछ भी सामान लो आपको 1 केजी चीनी मिलेगी 2500 रुपये के सामान में। और क्या चाहिए, 2500 रुपये का सामान लेने आए, 10-10 हज़ार रुपये का एक एक बंदे ने सामान लिया उस दिन, इतना सामान लिया है। रेट सही रखो, किसी भी भाई को अगर दुकान करनी है ना, मेरे हिसाब से रेट सही रखो। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने तो आपको कस्टमर बनाने हैं, कस्टमर बनाओ यार, कस्टमर बनाने के बाद आराम से अपना मुनाफा इंक्रीज करते जाओ, दुकान अपने आप चलेगी। 1-2 चीज़ें और ही, जो मैंने बहुत वीडियो भी बना रखी है मैंने, कि एक दुकान को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अंदर घुसते ही भाई बैठा था, उसके अलावा कोई दुकान पे नहीं रहता, क्योंकि लेडीज़ भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, महिलाएँ भी आएँगी और लड़कियाँ भी आएँगी, तो
थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को दुकान पे किसी जेंट्स को ना बैठा के रखें। वो कोई बुजुर्ग आदमी है वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, ये सभी लोगों को पता होता है। बाकी मैंने बता दिया कि इतने लाख रुपए में मेरी दुकान 4.5 लाख के करीब का ये मेरे रैक आए थे। 11 लाख रुपए का मैंने सारा सामान लिया था, जिसमें से 4 लाख 21,000 रुपए के लगभग मेरी पहले दिन की सेल हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सामान भर दिया धीरे धीरे, अभी रोज़ सामान आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे स्टार्टिंग हुई। और की बात कर लूँ तो मैं सामने के दो शीशे दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। ये देखिए, मैं कैमरा स्टार्ट उठाता हूँ। ये देखिए जो दो शीशे लगे हुए हैं, ये दोनों शीशे 50,000 रुपये में लगे हैं। इससे अलग खर्च है लेकिन वो, अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। ये जो खर्च 11 लाख रुपये बताया मैंने, सिर्फ सामान का बताया, इससे अलग मेरा और कोई खर्च नहीं हुआ। जो ये पंखे वगैरह हैं ये तो लगेंगे, देखो 4.5 लाख, 11 लाख, 50,000 रुपये के शीशे। और एक मैंने काउंटर बनवाया, जो बिलिंग काउंटर नहीं है, बिलिंग सॉफ्टवेयर अभी तक मैंने लिया नहीं। जैसे ही मैं कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर लूँगा आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा कि मैंने ये बिलिंग सॉफ्टवेयर लिया और इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं स्कीमें वाली आइटम। चलो अभी दिखा देता हूँ थोड़ी सी स्कीमें तो आपको, जो मैंने स्कीम का आइटम लिया है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक दो आइटम दिखा देता हूँ, स्कीमें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सेविया, इसके साथ 2 kg राजधानी की दाल के साथ है ना, ये सेविया फ्री है, 22 रुपये का पैकेट है। इस तरीके की मैंने स्कीम लेके आया हूँ अपनी स्टोर पे, क्योंकि स्कीम से ही फ़ायदा होता है। ये देखो मैगी, इस पे भी कुछ ना कुछ मतलब स्कीमें मिली हुई हैं, हर दाल पे कुछ ना कुछ स्कीमें हैं। ये देखो किसी भी राजधानी की तो हर दाल पे स्कीम लेके, बिना स्कीम की भी थी लेकिन मुझे लगा कि स्कीम वाली ही स्टार्टिंग में यूज़ करनी चाहिए। जैसे सफोला आई है, इसके साथ ये दिख रहा है फ्री 1 लीटर पाउच, 1 लीटर पाउच इसके साथ फ्री है। इस तरीके की सारी स्कीमें मैं लेके आया हूँ ताकि कस्टमर को फ़ायदा हो, और कोई रीज़न नहीं था। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये दिख रहा आप लोगों को एक क्रोकरी का आइटम। ये तमाम आइटम ऊपर गोदाम है उसमें भरा पड़ा है, लेकिन ये सिर्फ मैंने सैंपल के लिए रखे हुए हैं। आप लोगों के हिसाब से कितना मार्जिन होगा, खैर कमेंट करके बताते रहना, लेकिन इस पे ना 40-40% मार्जिन है। इन आइटम पे 40-40% मार्जिन है। अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं कमा रहा ना तो इनमें कमा लूँगा ना, बात वहीं चली जाएगी। इतना मार्जिन इनमें, तगड़े वाला मार्जिन है। क्रोकरी के आइटम में तो बहुत ज़बरदस्त वाला मार्जिन है। एक दो आइटम और दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये हैं, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी में जो पैकिंग आती है ना, 40-40% मार्जिन है इनमें भी। और दिखा देता हूँ, मार्जिन वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं फ़िलहाल आप लोगों को। ये है, ये ब्रांड है विटा डेरस है, ये पड़ रहा है 78 का, 90 रुपये MRP, और 100 रुपये MRP, 99 रुपीज़ इस पर MRP, 90 रुपये का बेच दो, आराम से भाग के बिकता है ये। इस तरीके की आइटम मैं जानबूझ के लेके आया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट दूंगा तो मुझे कुछ ऐसी आइटम रखनी पड़ेंगी जिससे मुझे फ़ायदा हो। अब सभी लोग कुछ ऐसे आइटम लेके जाएंगे जो ब्रांडेड है, जिसमें मार्जिन कुछ नहीं, और मैं 1 kg चीनी भी ऊपर से दे दूंगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि पतंजलि की पेस्ट है, कहाँ रख दी मैंने वो, दूसरी साइड रखी है मेरे ख्याल से, अभी दिखाता हूँ चल के। ये रखी, ये देखिए पतंजलि की जैसे ये पेस्ट है, क्या है इसमें, फ्री है ये दंत कांति, 50 रुपये की। ये है एक चीज़, ये बंद पैकेट है, लेकिन जैसे छोटा पैकेट नहीं है यहाँ पे, जैसे ये है ना, ये पूरी इस तरीके के सेट में आती है, और इसके साथ है ना एक छोटी पेस्ट फ्री आती है। मतलब कि ये जो जिस साइज़ की ये है ना, ऐसे ही लगा लो कि इस तरीके के पैकिंग में आती है ये। और उनके साथ क्या मिलता है, एक ये 20 रुपये वाली पेस्ट फ्री। ये स्कीमें सब लेके आनी है आप लोगों को, अगर कोई भी स्टोर करे तो इस तरीके की स्कीमें लेके आनी है जिससे हमें फ़ायदा हो। सिंपल सी बात है, और अच्छा खासा स्टोर चलेगा। स्टार्टिंग में कस्टमर को हमने कम से कम रेट दे दिया, उधर से मुझे दूसरी साइड से मुनाफा भी हो रहा है। अगर एक साइड से मैं कम दे रहा हूँ तो दूसरी साइड से मुनाफा भी तो कर रहा हूँ। ये पेस्ट जैसे मैंने दिखाई स्कीम वाली है, इसमें जो एक 20 रुपये की फ्री मिली है वो कस्टमर की थोड़ी है, वो मेरी अपनी है। क्रोकरी का आइटम है, 40% मार्जिन है। ये जैसे ये लोकल आइटम दिखाया है मैंने ट्रांसपेरेंट पोलोथीन में, और आप लोगों को पता है मेरे पास मशीन है, जो पैकिंग करने की मशीन होती है, उससे मैंने दालें वगैरह पैक कर दी, तो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा किसी और चीज़ को लेके। यहाँ पे बार बार कस्टमर भी आ रहे हैं, एक दो वीडियो में आपको लगा भी होगा 2-3 बार मैंने वीडियो को कट कर करके दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी दोपहर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है दोपहर में, क्योंकि कस्टमर कम होते हैं, सुबह और शाम में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जिस तरह के आपके कॉमेंट आएंगे कि सर कौन सी चीज़ पर वीडियो बनानी है, मैं उसी चीज़ पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।